पूरे देश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है, लेकिन रविवार को यूपी में सियासी सरगर्मियां उस समय और भी ज्यादा बढ़ गईं, जब देवबंद में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए सपा, बसपा और रालोद के मुखिया एक मंच पर दिखाई दिए। तीनों दलों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है, बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में या फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे वो बीच में आए और चाय वाला बन करके आ गए। हमने आपने जने कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में हुए इस महागठबंधन की अगली रैली 13 अप्रैल को बदायूं में देखने को मिलेगी। तीनों दलों के नेता यूपी में कुल 11 रैलियों को एक साथ संबोधित करेंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।